बहरे हो गए हो क्या? कब से घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रही है? तुम तो बहरी नहीं हो ना, तुमको तो सुनाई दे रहा है, तुम खोल दो। शादी हुई है ना हमारे साथ। कौन, कौन, कौन? दो बच्चे भी है, फिर भी शादी कर ली के साथ। किसके दो बच्चे? नहीं माई, नहीं नहीं माँ, माँ मदद करो, इंसाफ दिलाओ माँ। अरे अब ये कौन है? ये कौन है? अम्मा इंसाफ दिला दो अम्मा प्लीज, हमारे लल्ली के तो माँ फूट गए। तुम्हारे ऑलरेडी दो बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तो मुझे क्यों हायर किया? एक मिनट, हमारे माँ बाप पुराने ख्यालातों के हैं, अगर उनको पता भी चल जाता ना कि मिश्रा खानदान जिससे वो नफरत करते हैं उसके घर की लड़की शादी करके लाए हमारा गर्दन काट देते हैं, वो भी मर जाते हो, इसीलिए हमको नाटक करना पड़ा है, बात समझो। देखो दोनों फुसफुस आ रहे हैं, मतलब हमारी जान को यहाँ खतरा है। हाँ खतरा है दादी अम्मा, बहुत खतरा है, हम वही गला दबा देंगे आपका, एक सेकंड हम बतिया ले पहले। दो दिन मायके क्या गई, तुमने ससुराल ही बदल दिया, इंसाफ दिला दो अम्मा। एक मिनट, कहानी का सारांश ये है कि अभी आप दोनों लोग हमारी बीवी हैं और कायदे के अनुसार आप दोनों लोग को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप दोनों लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा और बच्चा लोग के खातिर आप दोनों लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। नहीं, सुनो ना यार, समझो ना, थोड़े दिन बाद से हमारे माँ बाबू जी अपने चले जाएंगे गाँव, उसके बाद से तुम अपने रास्ते, तुमको पैसा मिल जाएगा, हम अपने रास्ते, समझ रही हो तुम? सुनिए, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरे बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं एडजस्ट करूंगी। बच्चों आओ आओ, अपनी न्यू मम्मी से मिलो। अरे आओ आओ आओ, मम्मी मम्मी मम्मी, देखो मम्मी मम्मी बोल रहे ना बच्चे, मतलब उनको भूख लगी है, जाओ थोड़ा सा खाना बनाओ उनके लिए, हमारे लिए भी थोड़ा खाना बनाओ, और हो सके तो 10-12 प्लेट गोलगप्पे भी मंगाओ। ओ हेलो, मैं ये सब नहीं करने वाली, ठीक है ना? गोलगप्पे के लिए मना कर रही है। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा है, हमारी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तुमने शादी की है इनसे, कानूनन ये सही नहीं है, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालती रह जाओगी, समझ रही हो? सुनो ये सब मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा, पैसा चाहिए ना तुमको, सौदा की हो ना हमारे साथ तो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सेवा कर माँ का, पैर दबा, गर्दन दबा दे थोड़ा सा, मर जाएगी। नहीं नहीं, पैर मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है घुटनों। मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना, मम्मी खाना, गोलगप्पे। जा माँ के पीछे जा, जा बच्चू जा, माँ खाना देगी, जा। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर नवीन दुबे? जी बोलिए। जी इस बच्चे का? चीकू, चीकू राम। वेरी गुड। और इस महतारी का? आइटम। वेरी गुड। इन दोनों का बेसिकली डीएनए टेस्ट करवाना है, सो हम इसलिए आए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। बाय चुटू। कोई है आपके साथ यहाँ? ठीक तो है ना, आप डॉक्टर बुलाऊं आपके लिए? अच्छा ठीक है, आपका रूम नंबर कौन सा है बताइए, हम आपको छोड़ देते हैं। सुनिए, 4 नंबर रूम कहाँ है? इस साइड। ओके थैंक यू, हम आपको छोड़ रहे हैं वहां तक, हम आपको रूम की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ फिर डॉक्टर को भी भेज देंगे। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे जी हाँ जी, मैंने दोनों का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। ओके जस्ट 5 मिनट। हाँ हाँ प्लीज टेक योर टाइम, मीनवाइल इस पेशेंट को जो है रूम नंबर 4 में भिजवा दीजिए प्लीज। लेकिन मैडम रूम नंबर 4 तो सिर्फ स्टोर रूम के लिए यूज होता है, वहाँ कोई पेशेंट नहीं रखा जाता। क्या? और आप किस पेशेंट की बात कर रही? अरे ये पेशेंट किधर गया? हो गया सैंपल देके, क्या हुआ? तुम लोग के साथ रहने के ना तुम्हारे थाने में मैं भी पागल हो रही है, चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं बताने का है। वाँ।
मैडम आसपास की जितनी भी हॉस्पिटल्स है ना, हर जगह चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी ऐसे बर्थ मार्क वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ। और ये क्या जादू से पैदा हो गया क्या बच्चा, हाँ? क्या हवा में अवतरित हो गया है? अभी जन्म लिया है तो फिर किसी ना किसी ने तो जन्मा होगा ना, कोई तो माँ होगी इनकी। पण तेरे को कैसे मालूम कि वो बच्चा इसी शहर में इसी जगह पैदा हुआ है? इतनी बड़ी दुनिया है, किधर भी पैदा हो सकता है। दुबई में भी पैदा हो सकता है। यही पैदा हुआ। नहीं मैडम आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके इसकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। कैसे कैसे संतू, कैसे ढूंढोगी समझाओ हमको? हमने उसकी मम्मी को देखा है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, कैसी दिखती है, क्या होगी, कैसी होगी, कुछ तो नहीं पता है ना उनके बारे में। चुप करवाइए ना इसको, हम एकाग्र नहीं, हम सोच नहीं पा रहे हैं कुछ। छोटा बच्चा है, रोएगा ही ना। आप चुप करा के देखिए, लीजिए। नहीं नहीं हम उसकी माँ नहीं है जो हम उसको चुप कराएंगे, आप चुप कराइए ना इसको। संतू तुम चुप करा। हाँ इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। दीजिए हम ट्राई करते, दीजिए दीजिए। नहीं 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 तुम, नहीं नहीं तुम भी रहने ही दो। देखिए आप लीजिए, आप लेकिन हम उसकी मारे हैं। लीजिए लीजिए। चुप हो गया, देखा देखा कैसे चुप हो गया ना आपके पास आके। उसे करिश्मा मैडम की गोदी में ना माँ की फील आ रही होगी इसलिए। नहीं 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 ये लल्ला का बच्चा नहीं हो सकता है, इसकी माँ को ढूंढना ही होगा। ये पकड़िए इसे, प्लीज पकड़िए। अरे अरे चुप कराओ ना इसे। अम्मा अम्मा इसको, ओ कहा है तुमको, क्या दिक्कत है भैया? हाँ कहा है तुम रो रो के पूरा पूरा घर सर पे उठा दिया तुमने। हाँ अम्मा चुप हो जाओ ना, कहा चाहिए तुमको, कहा चाहिए, कहा चाहिए? हाँ अच्छा अब चुप हो गए। नहीं मतलब सिर्फ हमको तंग करना था तुमको, नींद से उठाना था हमें। हाँ अब हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, मतलब मसूड़ा दिखा रहे हो, दांत तो तुम्हारा है नहीं। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अभी तुमको क्या, तुमको कुछ काम नहीं है, तुम पड़े रहोगे ऐसे ही। हमको बहुत काम है, हमको कल ड्यूटी पे जाना है। नींद पूरा नहीं होगा तुम्हारा दिमाग का चूरन हो जाता है, और तुम रोते हो तो डबल चूरन हो जाता है, समझो हमारी बात को। अब मत रो ना, तुम रोए ना तो चुप सो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.